साहब, बच्चों में हियरिंग लॉस की समस्याएं होती हैं, तो ये जो शुरुआती टाइम होता है, तो लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे माता पिता समझ सकते हैं कि उनके बच्चे में हियरिंग लॉस की समस्या है? देखिए, यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों में आजकल हियरिंग लॉस बहुत कॉमन हो गया है, खास के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो बच्चों में करीब लेस 10 चिल्ड्रन अप टू 10 चिल्ड्रन का हियरिंग लॉस होता है 1000 बर्ड्स में, यानी 100 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से 10 बच्चों तक में हियरिंग लॉस पाया जाता है। दूसरा, अगर एट रिस्क बच्चे हैं, एट रिस्क बच्चों का क्या मतलब हुआ, यानी प्रीटर्म बॉर्न हुए जो बच्चे, यानी समय से पहले जिनको निकाल लिया गया, इसके अलावे माँ को कोई बीमारी हो, समस्या हो, वैसे बच्चों में ये हियरिंग लॉस बढ़ के 50 तक जा सकता है, यानी कि 1000 बच्चों में 50 बच्चों तक ये हियरिंग लॉस होता है। और इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, जैसे कि 3 महीने तक का जब बच्चा होता है तो वैसे बच्चा आपको बोलिएगा या कहिएगा उसका नाम तो उसका गर्दन मुड़ना चाहिए उस तरफ, जब 3 महीने का बच्चा होता है। जो 6 महीने का बच्चा होता है वो 2 वर्ड तक बोल सकता है, जैसे कि 2 वर्ड कोई भी मामा, बाबा, पानी लाओ, ऐसे 2 वर्ड्स तक वो बच्चा बोल सकता है। 1 साल का बच्चा 3 वर्ड तक का वर्ड्स बोल सकता है। इस तरह से माँ बाप समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे में कोई हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी मैम बात यह होता है कि हियरिंग लॉस के बारे में जानना होता है तो इसके लिए एक जांच होती है, इसको हम लोग बेरा बोलते हैं, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स एक्शन। तो इस बेरा जांच से हम जान सकते हैं कि हमारा जो बच्चा हुआ है उसमें हियरिंग लॉस है कि नहीं है। एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटोलैरिंगोलॉजी रिकमेंड करती है कि जो भी बच्चे प्रीटर्म बॉर्न होते हैं या जन्म के बाद जिनको पीकू में रखा जाता है, यानी पीडियाट्रिक आईसीयू में, तो उन बच्चों में ज़रूर हियरिंग लॉस का टेस्ट कराना चाहिए। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हर बच्चों में हियरिंग लॉस का टेस्ट होता है, बट चूंकि हमारे कंट्री में साधन की कमी है इस कारण यहाँ पे केवल एट रिस्क जो चिल्ड्रेन हैं उनमें हियरिंग लॉस का केस टेस्ट किया जाता है। तो सर, इसमें बच्चों के लिए अगर किसी बच्चे की समस्या ये ज़्यादा है तो मशीन लगाने की आवश्यकता जो है वो कब पड़ती है? देखिए, इसमें जितना जल्दी से जल्दी मशीन लगा जाए वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि एक टर्म होता है जिसको हम लोग न्यूरल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब बच्चा जैसे जैसे सुनता है वैसे वैसे उसके नर्व्स डेवलप करते हैं, न्यूरॉन्स डेवलप करते हैं, यानी आप जितने दिन के बाद बच्चे को लाइएगा उतना कम चांस है कि उसका हियरिंग फिर से वापस आ पाएगा। कायदे से ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, जो आपने बोला कि इक्विपमेंट कौन सा हियरिंग एड यूज़ करते हैं, इसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट 3 साल से कम उम्र में लगाने का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आपको लगता है आपके बच्चे की सुनाई में कमी है तो कृपया करके आप अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाएं, उसका वो हियरिंग जांच यानी बेरा कराएंगे, और बेरा में अगर सुनाई की शक्ति कम पाई जा रही है तो हियरिंग एड यानी कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए उस बच्चे को तैयार किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 3 साल तक बेहतर समय है, अगर इसके बाद अगर कोई बच्चा उम्र निकल चुका है या 4-5 साल का हो चुका है तो क्या इसके लिए ये मशीन उपलब्ध नहीं है? ये मशीन 5 साल तक के लिए उपलब्ध है, लेकिन 3 साल से पहले इसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। बट उसके बाद के बच्चों में जो कि, यानी अब आप 8 या 10 साल की उम्र में बच्चा लाइएगा तो वो बच्चा बचपन से नहीं सुना है, वो सुनता नहीं है तो वो बोलता नहीं है, जिसको हम लोग डिलेड स्पीच लैंग्वेज भी बोलते हैं या डेफ एंड म्यूट चाइल्ड भी बोलते हैं, वैसे बच्चों में इस ऑपरेशन का कोई बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं देखा गया है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को हम लोग 3 साल की उम्र से पहले ही वैसे बच्चों को पहचानें और वैसे बच्चों को 3 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टर से दिखा के ये जांच करवाएं। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद किसी तरह की सावधानी भी रखने की ज़रूरत होती है? हाँ जी, कॉक्लियर इम्प्लांट एक बहुत मेजर सर्जरी है, उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स में जैसे साउथ इंडिया में और इसके साथ साथ बिहार में भी अब कॉक्लियर इम्प्लांट का सरकार मुफ्त में दे रही है, और यह 50-50% के बेसिस पे है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शहर पटना में एम्स पटना एवं IGIMS में कॉक्लियर इम्प्लांट का काम हो रहा है, तो इसलिए आप इन जगह में जाके सरकारी सुविधा उठाएं और ज़रूर अपने बच्चों को इस ऑपरेशन के लिए सजग बनाएं।